वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। आजकल दो चीजें इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में, पहला पुलिस सुपरस्टार और दूसरा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो को आते आते इतना टाइम क्यों लग गया। और आप लोगों का भी ये सवाल होगा कि इतने दिन तक आखिर मैं था कहाँ। तो इन दिनों तुम्हारे भाई को लगी उसकी पहली जॉब, और जॉब के साथ साथ मैं घर आके अपना फ्रीलांस काम भी करता, इसलिए मुझे यूट्यूब वीडियो शूट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन इस बड़े से ब्रेक के बीच मैं अपनी खुशी खो चुका था, जो कि था यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना और उसे खुद एडिट करना। अब रही बात मेरे जॉब की, कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और यूट्यूब का क्या, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए ये वीडियो पे फोकस करते हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो कि है आप लोगों का फेवरेट यानी प्रैंक। आइए देखते हैं मजा आएगा। रिसेंटली मेरे एक दोस्त चिन्मय का बर्थडे था, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस दिन उसे प्रैंक किया जाए। What is up guys, welcome back to my channel, this is Devinder Jadhav। तो आज की डेट है 20 जून, और कल है 21st, और कल है चिन्मय और मेरी मम्मी का बर्थडे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। व्लॉग नॉर्मली आपको देखना नहीं पसंद, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रैंक वीडियो बनाया जाए, और प्रैंक होगा चिन्मय के साथ। तो पहले हम लोग यहाँ पे 12 बजे केक कट करेंगे मम्मी का, उसके बाद हम लोग जाएंगे चिन्मय घर पे, और वहाँ पे होने वाला है एक बहुत ही तगड़ा प्रैंक चिन्मय पे। और वो प्रैंक होगा कि हम लोगों ने चिन्मय के लिए 2 केक लिया है, और उसमें से 1 केक को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है वो स्पंज के साथ, और जब वो काटेगा तब मजा थोड़ा नेक्स्ट लेवल आएगा। वैसे 12 बजने में अभी थोड़ा टाइम है, उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि इस लंबे ब्रेक में मैंने क्या क्या किया। तो अमेरिका से इंडिया पहली बार आई मेरी फॉरेनर दोस्त, और उसको मैंने एक छोटा सा मुंबई टूर कराया। फिर मैं बिजी हुआ अपने फ्रेंड के एंगेजमेंट में। और मैंने अपने दोस्तों के साथ करी एक बढ़िया सी मेमोरेबल ट्रिप। अरे अरे अरे, 12 बज गए, तो चलो ये प्रैंक कंटिन्यू करें। पीयूष कितने दिन बाद कैसा लग रहा है? पीयूष कम ऑन, अरे पीयूष डिलीवरी बॉय केक्स। गाइस इट्स टाइम कि अब रियल मजा आएगा। अब जा रहे हम लोग चिन्मय घर पे, यहाँ से शशांक चिन्मय शशांक और पीयूष है, और हाँ हम लोग को मिलेगा यश, बाकी नकुल नहीं आया। चलो चिन्मय के लिए तो 2 शब्द बोलेगा तो क्या बोलना चाहेगा? हैप्पी बर्थडे चिन्मय। तीन हो गया तो तू कोचिंग करा था ना, ये यहाँ पे रखा, ये पहले लेके आते चल। मेरे दिख रहा है रे। चिन्मय विशिंग यू। उसका बर्थडे वही निकाल रहा है सब। ये पाव किलो का है क्या? अरे वे के उसके स्थान ही चल पी हुई। लाइटर हट जा। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि ये जो सामने केक है, हाँ ये है स्पंज वाला केक, और इसके बाद आएगा रियल वाला केक। तो ये स्पंज वाला केक कटा या नहीं कटा, ये आप ही देख लो। अरे मत ट्राई कर, कुछ नहीं हो धो लो कपड़ा तो नहीं काम आएगा।
वैसे अगर दोस्त आपका इतना कीमती हो तो उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक तो बनता ही है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और प्रैंक के बाद बारी आती है दोस्त को स्पेशल फील कराने की। लेकिन आपको अपने दोस्त को कोई महंगा गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है जब तक आप वो अपनी खुशी से ना दे रहे हो। आप तो अपने दोस्त को सिर्फ एक खाली पेपर पर हैप्पी बर्थडे भी लिखकर दोगे तो मैं बता रहा हूँ आपका दोस्त वो पेपर जिंदगी भर तक संभाल के रखेगा, क्योंकि ऐसे ही होते हैं दोस्त। वैसे अगर आप लोग भूल गए हो तो आज चिन्मय के साथ मेरी मम्मी का भी बर्थडे, तो चलो ये भी सेलिब्रेट कर लेते। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई नो कि ये वीडियो बहुत छोटा है, आपको लगा कि ये वीडियो छोटा है, लेकिन उसके बाद मेरे पास दो बहुत ही मजेदार वीडियो है। पहला है चिपलून का ब्लॉग है, उसके बाद आस्किंग मनी फॉर डेट। तो ये दोनों बहुत ही मजेदार वीडियो। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि पहला कौन सा डालना है। इन तीन महीने जब मैं वीडियो नहीं डाले तब मैं सच बता रहा हूँ कि तीन या चार महीने मैं ढंग से सो भी नहीं पा रहा था। एक सेटिस्फेक्शन होता है यूट्यूब पर वीडियो डाल के, पता नहीं मेरे को अच्छा लगता है कनेक्ट करना, और वो जब मैं चार महीने नहीं कर पाया तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा था। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल ब्लॉग्स आपको मेरी वीडियोस में देखने को नहीं मिलेंगे, मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो एक टचअप देते रहूँगा मेरे को अपनी एडिटिंग से। जैसे कि ये वीडियो में मैंने एक लेवल अप किया था, अब ये प्रॉमिस है कि दूसरे वीडियो में इससे ज़्यादा मैं एक लेवल और अप करूँगा। और अभी मैं रिसेंटली जॉब पर भी लगा हूँ तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता है नहीं, लेकिन ये मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। सच में मैं घर पर आके भी जाके भी अपने वीडियोज़ करूँगा और पहुँचाऊँगा, क्योंकि यही तो मुझे पसंद है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये मेरा कुछ नया स्टाइल पसंद आया हो दिखाने का। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो ये जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना। तो जितने भी नए लोग जुड़े उन सबको ये कि पहले की वीडियोस जाके भी देख लेना। और तब तक के लिए मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।